अलग अलग पार्टीज का अलग अलग अपना मौकूफ है, अपने अपने तरीके से कौन किस तरह से लोगों में जाना चाहता है, तो उसमें हमें कोई मतलब कोई किसी की दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपने नागालैंड वाली बात कही, जो अभी दो दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसको पूरे देश ने, बल्कि हमारे पार्लियामेंट ने अक्रॉस पार्टी लाइन उसको कंडेम किया और उस पर बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाई जा रही है। वो चाहे नागालैंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, जिन दोनों स्टेटों में अफसपा लगा हुआ है, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स फोर्सेस को देता है और उसके कवर अप में वो कुछ भी करें तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देश में आवाजें उठने लगी, तो मेरे ख्याल से अब वक्त भी आया, जमाने ने तरक्की किया, आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे डिजिटल इंडिया को देखते हुए अब अफसपा जैसे कानूनों को लागू करना और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों में रिविजन होना चाहिए। मरकजी सरकार को खुले आँख से और खुले दिल से इस तरह के कवानीन को रिकंसिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने का हक मिलना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा अलग अलग पार्टी का अलग अलग मौकूफ है, फारूक साहब सीनियर लीडर है इस रियासत के, मगर एक तरफ तो वो खुद ही कोर्ट में गए हुए और आल पार्टी में भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने अटेंड किया। अब आल पार्टी में उन्होंने क्या कहा, कोर्ट में क्या लेकर गए हैं वो, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो एट लिबर्टी है। और ये तो लोगों को समझना है कि हम कौन से रास्ते पर चले, तो जो आज मुमकिन है वो आज बात करें, जो चार दिन बाद मुमकिन हो सकता है उसको चार दिन के बाद में उठाने की बात है। तो एनीवे फारूक साहब ने अगर कोई आह्वान अपने काडर्स को किया है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।